हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, वाई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाइकली टू लीव द रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? अनचेंज्ड। तो इसको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ऑफ द रिजर्व बैंक में कीप द रेपो रेट इज की लीडिंग रेट अनचेंज एट 6.5% इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शेड्यूल्ड फ्रॉम डिसम्बर 6 to 8 ऑन राइजिंग इन्फ्लेशनरी रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम द रिसेंट स्पाइक इन वेजिटेबल प्राइजेस। तो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से अभी भी इसको इतना ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिटेन द स्टांस ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी एज विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन विच बेटर देन एक्सपेक्टेड सेकेंड क्वार्टर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेकेंड क्वार्टर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी प्रिंट एट 7.6%। द आर बी आई में रिवाइज अपवर्ड्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ एस्टिमेट्स। तो इसको भी शायद ग्रोथ एस्टिमेट्स को ऊपर बढ़ाएंगे। वाई विल आर बी आई कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड? क्यों चेंज नहीं करने? इकोनॉमिस्ट सेड दैट द सिक्स मेंबर रेट सेटिंग पैनल ऑफ द आर बी आई इज अनलाइकली टू टिंकर विद द रेपो रेट, द रेट एट विच आर बी आई लेंड्स मनी टू बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। इन दी अपकमिंग पॉलिसी देर विल बी नो चेंज इन दी आर बी आई पॉलिसी। द रीज़न इज दैट द इन्फ्लेशन विल स्टार्ट इंचिंग अब बिकॉज फूड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। वी हैव सीन ओनियन एंड टमेटो प्राइजेस गोइंग अप अगेन, सो देर इज नो केस फॉर इवन थिंकिंग ऑफ लोअरिंग द रेपो रेट। तो सारी चीज़ों के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इसीलिए रेपो रेट कम नहीं कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको चलिए एंड में बताऊँगा। एट द सेम टाइम सॉरी एट द सेम टाइम कोर इन्फ्लेशन इज अराउंड 4% एंड देयर फॉर देर इज नो रीज़न फॉर आर बी आई टू इंक्रीज द रेट। तो कोर इन्फ्लेशन आपका 4% है, तो रेपो रेट को इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चेंज करके अनचेंज रख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। तो नीचे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप देखिए वेजिटेबल प्राइजेस अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो नीचे नहीं कर रहे। और अभी कोर इन्फ्लेशन 4% पे, इसीलिए उसको इंक्रीज भी नहीं कर रहे। तो कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन सी पी आई eased at 4.87% in October from 5.02% in September. The retail inflation, however, continues to remain above the 4% target of the RBI. Last month, RBI Governor Shaktikanta Das said that though headline inflation has moderated, it remains vulnerable in recurring and overlapping food prices shocks coming from the global factors and adverse weather events. In such scenario, the monetary policy needs to remain watchful and actively disinflationary while supporting growth. तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को रेट हाइक नहीं हो रहे। वी आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन 4% टारगेट। हमारा फोकस 4% टारगेट पे ही है। वी मेंटेन अर्जुनास आई ऑन द इन्फ्लेशन टारगेट 4%। तो इन्होंने बोला कि हमारा फोकस 4% इन्फ्लेशन टारगेट ही है। अकॉर्डिंग टू कौशिक दास चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया एंड साउथ एशिया ड्यूश बैंक विद द स्ट्रॉन्ग जुलाई सेप्टेम्बर 2023 जी डी पी प्रिंट एंड अपसाइड रिस्क नियर टर्म इन्फ्लेशन प्रिंट्स ड्यू टू फूड प्राइस वॉलेटिलिटी आर बी आई इज लाइकली टू रिमेन हॉकिश इन द अपकमिंग मॉनिटरी पॉलिसी। आर बी आई विल लाइकली कीप रेपो रेट एंड स्टांस अनचेंज परसिस्ट विद टाइट लिक्विडिटी एंड इंश्योर द शॉर्ट टर्म रेट्स रिमेन अराउंड 6.85 to 6.90%, resulting in an effective rate hike. This will be the fifth monetary policy on the trot when the MPC is likely to leave the repo in unchanged at 6.5%. So, पिछले 5 बार से 6.5% इस बार भी हो जाएगा, तो मतलब हो गया फिफ्थ टाइम इन अ रो चेंज नहीं हुआ। लास्ट टाइम द रेपो रेट वॉज रेस्ड फ्रॉम 6.25% टू 6.5% इन फेबररी 2023। तो फेब में चेंज हुआ था लास्ट। बिटवीन मे 2022 एंड फेबररी 2023 द पॉलिसी रेट रेज्ड वॉज 250 बेसिस पॉइंट। ऑन बेसिस पॉइंट मतलब 250 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट इज 100th of percentage point, मतलब 0.25 हो गया आपका। विल द आर बी आई चेंज द पॉलिसी स्टांस? तो पॉलिसी स्टांस चेंज करेंगे अकोमोडेटिव से, क्या होगा देखिए। द स्टांस ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी मे बी रिटेन्ड एज विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। तो मतलब ये कर रहे हैं विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन रखेंगे कि बढ़ा नहीं रहे, इतना तो क्लियर है। इन द लास्ट पॉलिसी आर बी आई स्टेटेड दैट द ट्रांसमिशन ऑफ 250 बेसिस पॉइंट हाइक इन द रेपो रेट हैज़ नॉट हैपेंड।
rate has not happened. If you look at the weighted average lending rates, the deposit rates of bank, there is still a 50 basis point in the lending rates. Therefore, the stance will continue to be withdrawal of accommodation, Sambhavi said. In response to the cumulative 250 basis point hike in the policy rate since May 2022, banks have revised their repo linked external benchmark ELBR upward by the same magnitude. The 1 year median marginal cost of MCLR increased by 152 basis point during May. Itna. The weighted average itna theek hai, 183. September 23 on the post side, ye aapka ho gaya, weighted average domestic term rates. Ye important ho gaya. Will the GDP and inflation projection be revised? With the quarter 2 GDP growth overshooting its estimates of 6.5%, the RBI may revise the financial year 2024 growth forecasting marginally. क्योंकि RBI ने यहाँ पे बोला था 6.5% ग्रोथ होगा, पर ग्रोथ हो गया आपका 7.46%, इसलिए यहाँ पे चेंज करेंगे. The real growth GDP of financial year 2024 is projected at 6.5%. The RBI may not revise the headline inflation forecast, which has been kept at 5.4% for the current fiscal. RBI will likely increase financial year 2024 GDP forecast to 6.8% year-on-year basis from 6.5% year-on-year earlier, while holding the financial year 24 CPI forex as unchanged at 5.4%. ठीक है, ये तो हो गया. What will happen to lending rates in case of a pause by RBI? As the RBI expected to keep the policy rate unchanged at 6.5%, all external benchmark lending rates that are linked to the repo rate will not rise. It will provide some relief to borrowers and their equated monthly installments. तो EMI जो आपका आता होगा वो increase नहीं होगा. तो एक बार देख लेते हैं इस article में क्या क्या ऐसा है जो exam point of view से बिल्कुल हमें clear cut पता होना चाहिए. अब देखिए, सबसे पहले monetary policy committee, इसके members कौन कौन से हैं. MPC में हमें पता होना चाहिए 6 member है. तो 6 member कौन है? 3 government के हैं और 3 RBI के हैं. और कौन है, कौन appoint करता है ये चीज़, एक ही हमने देख लिया. दूसरा, GDP हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. GDP का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने GDP पूरा समझाया हुआ है, आप उसको चेक करिए. रेपो रेट, रेपो रेट हमारे लिए क्या है, देखिए ये रहा आपका रेपो रेट क्या होता है. रेपो रेट क्या होता है, बैंक जब लोन लेता है RBI से कि RBI जब बैंक से लोन लेता है, बताइए क्या होता है. एक रिवर्स रेपो होता है और एक रेपो होता है, ये चीज़ आप बताइए. बैंक ले रहा है RBI से, ये RBI होगी आपकी, कि RBI ले रही है बैंक से, कौन सा क्या है, आप लोग इसको क्लियर करिए. ये मैंने हिंट दे दिया. उसके बाद से आप देखिए, इन्फ्लेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब बात क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो रहा है. ठीक है, टमाटो पोटैटो ऑनियन ये सारे प्राइजेस राइज हो रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें आपके वोलाटाइल फैक्टर्स नहीं है वो आपका 4% ही है. तो आप देखो, दोनों चीज़ों के वजह से एक जगह यहाँ पे रेपो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए. तो रेपो इंक्रीज़ करेंगे, लोन महंगे होंगे तो सस्ते होंगे चीज़ें, तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए रेपो इंक्रीज़ करना है. पर एट द सेम टाइम यहाँ पे इस लेवल पे आप देखिए, आपका कोर इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल चेक है, तो रेपो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है. तो इसलिए इन दोनों फैक्टर को देखते हुए रेपो रेट को इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा है, ना ही डिक्रीज़ किया जा रहा है. ठीक है, और फोकस कहाँ पर है, इन्फ्लेशन के टारगेट पे, अर्जुनाज आई इन्फ्लेशन. एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, इन्फ्लेशन और उसका फोकस. और उसके बाद से आप देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिसी स्टांस क्या है, अकोमोडेटिव क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए. आगे अब जैसे क्या होता है, RBI पहले से हिंट देता है कि हम अगले मीटिंग में या तो रिपो को बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे, तो हॉकिश पॉलिसी करेंगे कि कैसे करेंगे, ये अकोमोडेटिव हो गया आपका, बताता है ये चीज़ पहले से कि हिंट देता है. बाइंडिंग नहीं होता है, RBI सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकता है, बोल कुछ रहा है कर कुछ सकता है. आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क्स लेंडिंग ये इंपॉर्टेंट हो गया, MCLR इंपॉर्टेंट हो गया, WALR इम्पॉर्टेंट हो गया, WADTDR इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन. अब हमारा जैसे हमने देखा तो फाइनेंशियल ईयर 24 का
जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। फोरकास्ट उसको 6.8% होना चाहिए, ठीक है, जो पहले था 6.5%, ये पहले था, पर अभी क्वार्टर टू अपना रिजल्ट अच्छा आया इसलिए 6.8% कर देंगे। और एक्सटर्नल बेंचमार्क्स ईएमआईज आपके कैसे अफेक्ट होते हैं, रेपो नहीं बढ़ रहा है तो आपके लोन महंगे नहीं होंगे, जब महंगे नहीं होंगे तो आपके कोई चीज़ें में आपका इंटरेस्ट रेट महंगा नहीं होगा, जब इंटरेस्ट रेट महंगा नहीं होगा तो आपके ईएमआई इंक्रीज नहीं होंगे, इंस्टॉलमेंट्स उतने ही रहेंगे। तो इसमें बस इतना ही था, ये सारे जितने भी मैंने बॉक्सेस बनाए हैं सारे सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए किसमें क्या लिखा है प्रॉपर, एक एक